ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के आमिनाबाद और चांद नगर का जो इलाका है, यहाँ पर काफ़ी जो है पानी भर गया था, जिसके वजह से यहाँ पर जो है लोगों को जो है खाना पहुँचाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर रात के करीब 11 बजने को आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमारत में लोग हैं उनको जो है इसी तरह से यहाँ पर जो है खाना पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह से इमारत में कई लोग फंसे हुए हैं और बिजली भी नहीं है और जल भराव होने की वजह से जो है इनको राहत बचाव जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। लोगों को घर घर जो है पहुँचा कर यहाँ पर खाना देने का काम किया जा रहा है। ठीक न, भर लेंगे फिर तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है खाना पहुँचाया जा रहा है लोगों के बीच। जो इमारत में लोग हैं उनको जो है यहाँ पर खाना पहुँचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल एक बात बता दें कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से बारिश होने की वजह से जो है लगातार पानी भरा हुआ है और लोगों को इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिस तरह से दोपहर का मंजर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अमीनाबाद में पानी भरा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों को यहाँ पर जो है खाना पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर खाना पहुँचाने का लोगों के लिए काम किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। समीम भाई, किस तरह से जो है लोगों को पानी भरा हुआ है, काफ़ी जल भराव है, लेकिन किस तरह से आपकी तरफ से जो है लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है? चांदनगर, अमीनाबाद, ये जो बेल्ट है एमएम वैली का, दौलत नगर, यहाँ पे अलहरम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आप पानी की हालत देख सकते हैं। नाव लगी हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने नाव लगाया है, उसके अंदर हम लोग खाना डाल करके वहाँ भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे भी आपने देखा कि उस खाला ने आवाज़ दिया कि हमारे बिल्डिंग में, हमारे फ्लैट में आप खाना भेजिए, लेकिन हम थर्ड फ्लोर तक चढ़ने की पोजीशन में नहीं, हमारे साथी, हम लोग उनके साथ रिक्वेस्ट करके उनको सिस्टम बना करके रस्सी से हम लोग खाना ऊपर भेज रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक घर पे खाना पहुंच जाए। तकरीबन 10,000 लोगों का हम लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया है और खाना और पानी के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये अमीनाबाद का हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये पानी को कम करें, जिस तरीके से मामला चल रहा है यहाँ पे और हालात पे कंट्रोल आए। लेकिन हम लोग, हमारी पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी टीम, यहाँ तक कि हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भी एमएम वैली में घूम रहे हैं उस इलाके के अंदर। सुकून हाइट्स वगैरह पानी का काफ़ी भरा हुआ है, हम लोग यहाँ पे हैं। ये देखिए, आप नाव लगी हुई है, नाव के मुताबिक पूरा काम चल रहा है यहाँ पे और हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं लोगों तक। देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है मदद की जा रही है, लोगों को खाना दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। आपको खाना मिला? हाँ, हमको खाना मिला। शमीम भाई लाके हमको, हम लोग को खाना दिए। अभी तक कोई आया था और आप लोगों की मदद के लिए? अभी तो मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, दूध, क्या बता, मगर हम लोग को नहीं मिला है। पहला खाना मिला है। हाँ, आपको मिला? हाँ, खाना मिला। मेनबत्ती लाए थे और खाना लाए थे, फिर बिस्किट का पाउडर लाए थे। हमको सबको मिला और सुबह से लाइट नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशानी में हम लोग। जिस तरह से आप सुन रहे हैं यहाँ की लोगों को लगातार जो है यहाँ पर मदद की जा रही है, खाना पहुँचाया जा रहा है। आपको भी खाना मिला? हमारा परिवार, खाना मिल गया, मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने परिवार हैं आप? हम खाली दो मियाँ भी है बस। जी, कुछ मेडिसिन वगैरह की आपको जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं, बस शुक्रिया, बस इतना ही मिल गया। आप मेहरबानी होगी। सुबह से और भी कुछ लोग आए थे यहाँ पर मदद के? आए थे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, ले सही, ये बिस्कुट मिला, बस आपको ही खाना मिलेगा। ठीक।
तो आपने सुना कि जिस तरह से लोगों को यहाँ मदद की जा रही है, उन्हें खाना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश अभी भी जारी है और जो चांद नगर अमीनाबाद का इलाका है वहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ है। अभी भी इमारतों में लोग फंसे हुए हैं। ये बात है कि कुछ लोग जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ भले ही चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने इमारतों में है और इस तरह से जो है उनकी मदद की जा रही है। लोगों को उन्हें खाना उस इमारत में पहुँचाया जा रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्राइम टाइम्स, मुमरा।